नसरुल्ला खान मस्जिद कमेटी के किरायेदारों ने नमाजियों पर हमला बोल दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। विवाद की सूचना पर केन पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लाया गया। उपरोक्त घटना के संदर्भ में मस्जिद कमेटी के सदस्य इकबाल कुरैशी और शाहरुख चौधरी अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 से 4 वर्ष पहले अखिल पिता मोहम्मद शरीफ इनके परिजनों को मस्जिद कमेटी के कमरे किराए से दिए थे, परंतु गत 2 वर्ष से अब किरायेदार किराया भी नहीं दे रहे और न ही मकान खाली कर रहे, साथ ही मस्जिद निर्माण में भी बाधा उत्पन्न कर रहे, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा कलेक्टर को भी दी गई थी। किरायेदारों द्वारा आज जुम्मे की नमाज अदा करने के पश्चात जैसे ही नमाजी मस्जिद से निकले तो उपरोक्त किरायेदारों द्वारा रास्ता रोककर हमला कर दिया, जिसमें मोहम्मद जाफर पिता मोहम्मद जमील, मोहम्मद शाबिर पिता मोहम्मद जमील एवं मोहम्मद अलीम पिता बाबू कुरैशी घायल हो गए। जुम्मे की नमाज पढ़ के सब लोग निकल रहे थे तो इन लोगों ने अखिल पिता शरीफ और जो मकान मालिक है इन्होंने जुम्मे की नमाज के टाइम इन्होंने पूरा मकान आगे रास्ता रोक दिया। नवाजी निकल रहे थे, नवाजी ने कुछ बोला कि भैया रास्ता कर लो, तो इन्होंने मारकूट कर शुरू कर दी और कल से मेरे को गाली पकड़े कि तुमने जो मस्जिद कमेटी ने जो आवेदन दिया है वापस लो और तुम माफ़ी मांगो, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे। तो ये छोरों ने बोला कि ऐसा क्यों करेंगे, हमारे मस्जिद कमेटी के इकबाल भाई हो रही है, तो इन लोगों ने लट निकाल के हाथापाई शुरू कर दी। तो इसमें हमारे एक भांजा जाफर के लगी, एक साबिर के लगी, एक तो 2-2 साल का इन्होंने किराया नहीं दिया, उसके बाद भी कमेटी ने कोई बात नहीं। पर परसों जो आवेदन दिया तो मीडिया पे देखा तो उनको तुम माफ़ी मांगो, तो कल से मेरे पीछे मेरे घर पे गाली बक के जा रहे हैं, मतलब माफ़ी मांगो नहीं तो हम तुम्हारे। तो आज जुम्मे की नमाज के बाद नमाजी निकल रहे थे, नमाजी के सामने हाथापाई करी, मारा कूटी करी, अब वहाँ पर आप देखो तो पूरे रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा। तो आज ये कमेटी के लोग सब ज्ञापन देने आए और अभी रिपोर्ट कर रहे हैं। मामला ये है कि वो गंदगी करते हैं, वो बकरा बकरी जानवर बांधते हैं अवैध रूप से, तो वो नवाजी निकलते हैं, नवाजी को सीढ़े लगते हैं, तो नवाजी हमारे से बोलती है, सदस्य अध्यक्ष जो भी वहाँ कमेटी के मेंबर हैं, तो ऐसा होता है कि बोलते कि यहाँ पे गंदगी हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, तो हम उनसे जाते हैं बातचीत करने तो गाली गलौज करते हैं, विवाद करने लग जाते हैं, तो जो सदस्य उन्होंने अपशब्द बोला, गाली गलौज बोली, तो उनसे सहन नहीं हुई तो उन्होंने मारा कूटी करी। आज ये नमाज पढ़ के निकल रहे थे तो फिर बोले धमकी दे कि जान से मार देंगे इकबाल नेता, वो ऐसा कर देंगे वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें करी। तो 2 बच्चे खड़े थे उसका, एक तो फैजान है फारूक, तो वो बेसबॉल निकल रहा वो मारा कूटी चल्लू कर दी। 3 लोग घायल हुए, एक तो मोहम्मद साबिर, मोहम्मद जाफर, मोहम्मद हलीम। तो फिर क्या ऐसी समस्या आ रही है? निर्माण चल रहा है ना मस्जिद का, मस्जिद निर्माण में परेशानी आ रही है उन खोलियों से और सामान वो रखें कहाँ पे, क्या 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 करें, मतलब जो निर्माण का सरिया है, सीमेंट मटेरियल है, जो भी है, तो वो रखने की जगह नहीं है वहाँ पर, तो उन खोलियों में रखना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि हम तो जोर जबरदस्ती से विवाद करके ही रहे, हम चाहते हैं कि खाली कर दें मकान, और ये धर्म का काम चलता रहे और ये दूसरी जगह आके दे ले। नीमच से आसिफ अली की रिपोर्ट।